आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूजिक के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। दोस्तों रेडियो कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि जापान में, चाइना में, अफ्रीका में, यूएसए में, लंदन में, रशिया में किस लैंग्वेज से रेडियो स्टेशन अवेलेबल है? अगर दोस्तों आपको 1% भी म्यूजिक सुनना पसंद है तो आज आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि यहाँ आपके सामने पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशन अवेलेबल होंगे और आप यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में म्यूजिक भी सुन पाओगे। और इसके लिए ना ही आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, ना ही कोई सर्वर को क्रैक करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लिक करना होगा और आपके सामने ये सारे रेडियो स्टेशन आ जाएंगे। और तो और दोस्तों अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे रेडियो सर्विस अवेलेबल नहीं है, तभी भी दोस्तों आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं, इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा वीडियो के तरफ ले जाऊंगा और बताऊंगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा आईटेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे वहां पे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो वहां पे एक पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आएगा एक प्ले बटन, तो उस प्ले बटन को आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने पूरे वर्ल्ड का एक मैप ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको दिखाई देंगे ग्रीन डॉट। तो दोस्तों ये जो ग्रीन डॉट है वही रेडियो स्टेशन है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी कंट्री का रेडियो स्टेशन आपको सुनना है। तो जैसे आप किसी एक ग्रीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे थोड़े और ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे आपको। तो देखिए दोस्तों जो भी रेडियो स्टेशन होता है उसकी और भी कुछ चैनल्स होती है, तो यहाँ पे आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप अलग 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 चैनल भी सिलेक्ट करके और भी कुछ म्यूजिक अगर अवेलेबल है उस रेडियो स्टेशन का तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ रेडियो स्टेशन सिलेक्ट करके रखे हैं जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। Deal with four fives, see courtrooms and court size. Ain't too many seen both sides. No, no. What you know? I'm taking back control. दोस्तों आप इसे आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हैं। सिंपल है, आप एक बार रेडियो से कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद आप आपके मोबाइल की होम की दबाइए। होम की दबाने के बाद आप देखेंगे कि आप आपके मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, तभी भी ये रेडियो यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे ये प्ले हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे भी जाके चेक करोगे तो यहाँ पे उसका प्ले का बटन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अभी रन कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरी दुनिया के रेडियो को सुन सकते हैं, ना ही किसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा, ना ही किसी चीज को आपको डाउनलोड करना होगा। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।